कैसे आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक बॉय की सक्सेस स्टोरी है और उन्होंने मैनिफेस्ट की है जॉब। यस, चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम इस लड़के ने ना मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे बहुत ही प्यार से बोला है, दीदी हो तो आपके जैसी हो और मुझे तो आपके जरिए यूट्यूब पर एक बहुत ही प्यारी दीदी मिल गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दीदी, मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया है, जो कि अनबिलीवेबल जैसी लग रही थी। लग नहीं रहा था कि हो पाएगी, तो मैंने आपका वीडियो देखा और लिखना शुरू किया। मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर ये बात लिखता था कि मुझे जॉब मिल गई है, और लिखते लिखते ही मैं इस चीज को कितने दिन कर पाया सच में पूरी तरह से नहीं ध्यान है। आज जब ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तब मुझे ये काउंट करना पड़ गया कि मैंने इसे कितने दिन तक लिखा था। तो मैंने इसे पूरे 50 दिन तक लिखा था। 50 दिन, 50 दिन कितने होते हैं यार 50 दिन? तब लगभग पौने 2 महीने है ना, इतने ही होते हैं। और मैं डेली ही लगभग इसको वहां पर लिखता था और बहुत ज्यादा ही खुशी फील करता था। उसके बाद में मेरे एग्जाम्स आ गए और मैं पढ़ने लग गया। फिर मैं ये भूल ही गया, मैं तो ये भी भूल गया कि ये मेरा सबसे पहला ग्रैटिट्यूड जर्नल है। उसके बाद में मैंने कुछ नोटबुक्स में लिखना शुरू किया, कभी कभी अपने फोन में भी लिख देता था। मैं भूल ही गया कि मैंने अपने जर्नल में ऐसा भी लिखा था। उसके 7 मंथ्स के बाद में ही मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी ऑफर आई। इसके पहले मैं अपना एक एग्जाम फेल कर चुका था, वाह वाह, और एक मैं पास कर चुका था, लेकिन इस बीच में ही मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल जाएगी। ये तो सपने के भी बाहर की बात थी, लेकिन मेरे पास में ऑफर आ गई और मैंने एक्सेप्ट कर ली, और मैं लिख रहा हूँ आपको अपनी कहानी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर ही इसको लिखा था, और उसके बाद में अचानक मेरी जॉब लगने के भी 20 डेज के बाद में मेरी सिस्टर ने कुछ जर्नल्स निकाले, डायरीज निकाली, नोटबुक्स निकाली और मुझे कहा कि क्या ये सब भरी हुई हैं, अगर इसमें से तेरे कुछ काम की है तो मैं रख लेती हूँ, नहीं तो सब मैं रद्दी में दे रही हूँ। और अचानक ही मेरी उस जर्नल पर नजर पड़ी, मैंने उसे बाहर निकाला और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि अरे ये जॉब तो मैं अभी कर रहा हूँ जो मैंने इसके अंदर लिखी थी। वो ऐसे ही जर्नल था जो कुछ लिखा हुआ था ऑलरेडी, और वही जर्नल को मैंने उठा लिया था और उसके अंदर बस मैं ऐसे ही लिखता चला जाता था। तो मैंने उसको अपनी सिस्टर से कहा कि इसे रख दे, बाकी सारी चीजें तू रद्दी में दे दे। तो फाइनली ये मेरे पास में है और मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ कि मैंने पूरे 50 दिन तक ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही मेंशन किया। उसके बाद में मैं इसे पूरी तरह भूल गया और फाइनली ये जॉब मेरी लग गई। थैंक यू सो मच बहना। इतना क्यूट है भाई, नाम क्यों नहीं लिखा यार? बहना आई लव यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी अच्छी बहना देने के लिए। थैंक यू दीदी, आई लव यू, और आई लव यू पूरी बटरफ्लाई फैमिली। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। लेट गो है ही इसके अंदर भी, और इतना बढ़िया लेट गो है कि अपने जर्नल को ही भूल गए कि ऐसा भी कोई जर्नल था। वो तो शुक्र हो, भला हो भगवान उस बहन का कि उन्होंने इनके सामने ला करके दिखाया, भाई इसको रद्दी में दे रही हूँ। अगर वो बिना पूछे रद्दी में दे देती तो इन्हें कभी याद भी नहीं आता। आता शायद, लेकिन ठीक है, कंग्रेचुलेशंस कि आपको आपकी ड्रीम जॉब लग गई। एक फेल कर गए आप एग्जाम, एक पास कर गए आप एग्जाम, और आपने सक्सेस स्टोरी के अंदर अच्छे तरीके से उसको मेंशन करके बताया। थैंक यू सो मच। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।